जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर आज हम महिला बाल अपराध की क्लास लेकर आए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे दस नंबर आप इस क्लास को पूरा देकर निकाल सकते हैं परीक्षा में तो पूरा अंत तक देखें इसकी पी डी फाइव चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी स्टडी एग्जाम अकेडमी में लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें उसकी आपको पी डी फाइल इसकी उपलब्ध करवा दी जाएगी तो सभी साथी लाइव जुड़ जाए पहला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई इकतीस जनवरी उन्नीस सौ बानवे इकतीस जनवरी उन्नीस सौ इक्यानवे पंद्रह मई उन्नीस सौ तिरानवे चौदह मार्च उन्नीस सौ बानवे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी इकतीस जनवरी उन्नीस सौ बानवे को कब हुई थी इकतीस जनवरी उन्नीस सौ बानवे आंसर आपका राइट हो जाएगा इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं मैं बता देता हूँ इसमें कुल सदस्य एक अध्यक्ष होता है और पांच अन्य इसमें सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल है अध्यक्ष का वो तीन वर्ष का होता है कितना कार्यकाल होता है तीन वर्ष का और इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा कौन है रेखा शर्मा यदि आपको पूछे राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई तो अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के रिलेटेड राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है सुमन शर्मा रेखा शर्मा वसुंधरा राज्य स्मृति ईरानी राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है सुमन शर्मा कौन है सुमन शर्मा ए आंसर आपका राइट हो जाएगा राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी बिल्कुल बताए देखिए पंद्रह मई उन्नीस सौ निन्यानवे में हुई थी प्रश्न पूछा जा चुका है ग्राम सेवक एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इसके अध्यक्ष सुमन शर्मा है हाँ अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ पंद्रह मई उन्नीस सौ निन्यानवे हुआ था ए आंसर आपका राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या चार राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है सुमन शर्मा है कौन है सुमन शर्मा अगला प्रश्न है सती प्रथा रोकथाम अधिनियम उन्नीस को कब लागू किया गया सती प्रथा रोकथाम अधिनियम उन्नीस लागू हुई थी ती तीन जनवरी उन्नीस को कब हुई थी तीन जनवरी उन्नीस अट्ठासी बिल्कुल अठासी आपका राइट हो जाएगा सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक की रियासत ने लगाई जोधपुर जयपुर कोटा या बूंदी सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक बताओ देखें किस रियासत ने लगाई राइट right आंसर क्या हो जाएगा बूंदी रियासत ने बिल्कुल डी आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न है कन्यावध पर रोग सर्वप्रथम किस रियासत ने लगाई जयपुर जोधपुर कोटा या बूंदी कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई जोधपुर रियासत ने लगाई थी सॉरी बाल विवाह पर लगाई थी जोधपुर ने सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक लगाई थी जोधपुर ने समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी इसने जयपुर जोधपुर ने बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाई और जयपुर ने लगाई थी समाधि प्रथा पर प्रथा पर कोटा ने सती प्रथा ने लगाई सर्वप्रथम बूंदी ने और कोटा ने किस पर लगाई थी कन्यावध पर कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई कोटा रियासत ने अगला प्रश्न है बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई बाल विवाह पर रोक सर्वप्रथम किस रियासत ने लगाई दोस्तों बताओ देगा बिल्कुल राइट हो जाएगा जोधपुर रियासत ने किसने लगाई थी जोधपुर रियासत ने लगाई और समाधि प्रताप पर लगाई थी जयपुर ने समाधि पड़ता पर किसने लगाई जयपुर ने पूरा देखे दोस्तों क्लास को बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है पिछली बार पूछे भी जा चुके हैं इनमें से कई प्रश्न समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोह किस रियासत ने लगाई तो समाधि प्रथा पर लगाई थी जयपुर रियासत ने किसने लगाई जयपुर रियासत अगला प्रश्न बहुत ही शानदार पूछा गया है राजस्थान की अंतिम सती हुई महिला कौन थी राजस्थान की अंतिम सती महिला रूप कंवर थी इसका संबंध कहाँ से है सीकर से हैं ध्यान रखना कहाँ से हैं सीकर से नेक्स्ट राजस्थान की अंतिम सती हुई महिला रूप कंवर का संबंध किस जिले से है जयपुर जोधपुर सीकर या कोटा तो इसका संबंध है सीकर से यदि आपको हमारी महिला बाल अपराध की ई बुक लेना है जिसमें पूरे आपको पर्सन मिल जाए और साथ में पूरी आपको थोरी मिल जाए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ से ले सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं या अपने ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं राजस्थान डाइन प्रताड़ना अधिनियम 2015 को कब लागू किया गया डाइन प्रताड़ना अधिनियम को कब लागू किया गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल 26 जनवरी 2016 को किया गया बी आंसर आपका राइट हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है तो ग्यारह मई को मनाया जाता है ये बीच में आ गया प्रश्न अगला देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है पांच जून को डी आंसर आपका राइट हो जाएगा सर्वप्रथम विरोधी कानून का पारित हुआ दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज विरोधी कानून सर्वप्रथम का तो कब पारित हुआ दोस्तों 20 मई उन्नीस सौ इकसठ को बीस मई 1961 को बी आंसर आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर दोषियों पर कौन सी धारा लागू होगी दहेज के लिए कोई प्रताड़ित करता है तो कितनी कौन सी धारा लागू होगी तो दहेज हेतु धारा है चार सौ अंठानवे ए दहेज हेतु कोई प्रताड़ित करता है तो धारा क्या है चार सौ अंठानवे ए है बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है नेक्स्ट महिला की शादी के सात वर्ष में मृत्यु होने पर पति या परिवार वालों को किस धारा के तहत दोषी माना जाता है यदि महिला की मृत्यु सात वर्ष के अंदर हो जाती है शादी के हाँ तो किस धारा right के तहत परिवार दोषी होगा राइट आंसर बता देगा सबसे इजी प्रश्न यही है धारा तीन सौ चार भी हो जाएगा बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर है दहेज हत्या के दोषी को सात वर्ष से आजीवन कारावास दिया जा सकता है यदि कोई जानबूझकर एसिड अटैक करता है तो किस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा देखो एसिड अटैक से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं ना वो एक बार आप देख लेना परीक्षा में अपनी ई बुक ले रखी है तो उसमें से आप देख लेना एसिड अटैक यानी तेजाब द्वारा जो हमला किया जाता है कोई जान कर हमला करता है तो कौन सी धारा के तहत अपराधी होगा धारा तीन सौ छब्बीस ए कौन सा होगा धारा तीन सौ छब्बीस ए अब देखो मैं बता देता हूँ धारा है तीन सौ छब्बीस कौन सी धारा तीन सौ छब्बीस धारा तीन सौ छब्बीस किस काम की है तेजाब द्वारा किया गया हमला तेजा इसमें कोई हमला करता है तो दस साल की इसमें सजा है धारा तीन सौ छब्बीस ए तीन सौ छब्बीस ए में यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कर तेजाब का हमला करता है तो धारा तीन सौ छब्बीस ए इसमें लागू होगी धारा तीन सौ छब्बीस बी बी की बात करूं किसी पर तेजाब या रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाने वाला हमले का प्रयास यदि कोई हमले का प्रयास करता है तो धारा तीन भी बी है तीन वर्ष की इसमें सजा का प्रावधान है किसी पर तेजाब या रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाने वाला हमले का प्रयास में व्यक्ति दोषी माना जाएगा कोई मान लो तेजाब द्वारा हमले का प्रयास भी करता है तो किस धारा के तहत दोषी होगा तो धारा तीन बी के तहत धारा तीन बी के तहत तो वो अपराधी होगा ध्यान रखना सजा इसमें तीन वर्ष की है अगला प्रश्न देखते हैं हाँ एक यहाँ पर नोट लगा कर लिखा गया है धारा तीन सौ छियासठ भी यदि कोई पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है यदि कोई व्यक्ति के को ऊपर एसिड अटैक हुआ है और एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर इलाज से मना करता है तो उस डॉक्टर को एक साल की सजा होगी अगला है अगर कोई व्यक्ति किसी शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से करता है कि उसके अंग बेचे जा सके तो व्यक्ति दोषी माना जाएगा किसी धारा के तहत व्यक्ति दोषी माना जाएगा बिल्कुल धारा तीन सौ उन्तर धारा तीन सौ उनहत्तर यदि किसी शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से करता है कि उसके अंग बेचे जा सके तो सजा इसमें पांच साल की है कितनी है पांच साल की अगला प्रश्न है आर टी कब लागू हुआ राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ चार ऑप्शन आपके सामने है आर टी लागू हुआ था एक अप्रैल दो हजार दस को कब लागू हुआ एक अप्रैल दो हजार दस को शिक्षा का अधिकार निःशुल्क अनिवार्य रूप से सभी को शिक्षा दी जाएगी छह वर्ष से चौदह वर्ष के बच्चों को हाँ देखो ये आर टी बीस 20 जुलाई दो हजार नौ को राज्यसभा में पेश हुआ था और चार अगस्त दो हजार नौ को लोकसभा में पेश हुआ छब्बीस अगस्त दो हजार नौ को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मंजूरी दी थी एक अप्रैल एक अप्रैल दो हजार दस को पूरे भारत में लागू हुआ था राजस्थान में कब लागू हुआ बताओ देखे आर टी शिक्षा का अधिकार को राज्यसभा में कब पेश किया गया अभी बताया मैंने राज्यसभा में पेश हुआ था बीस 20 जुलाई दो हजार नौ को लोकसभा में पेश किया गया चार अगस्त दो हजार नौ आर टी को लोकसभा में कब पेश किया गया तो चार अगस्त दो हजार नौ को यह आर टी लोकसभा में पेश हुआ था आरटी को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मंजूरी कब दी तो प्रतिभा पाटिल ने 26 अगस्त 2009 को मंजूरी दी थी सी आंसर आपका राइट हो जाएगा आरटी को राजस्थान में कब लागू किया गया राजस्थान में बाद में लागू हुआ था ध्यान रखना तो कब लागू हुआ राजस्थान में एक अप्रैल 2011 को एक वर्ष बाद राजस्थान में लागू हुआ आर टी राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार पत्र निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है इसके तहत छः से चौदह वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाती है आर टी लागू का, कहाँ 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 पर नहीं होता धार्मिक संस्थान है मदरसे है ईसाई मशीनरी है यहाँ पर आर टी लागू नहीं होता और आर टी लागू करने वाला भारत दुनिया का एक सौ पैंतीसवां देश बनाए नेक्स्ट अगला देखते हैं आर टी लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना तो भारत बना है एक सौ पैंतीसवां देश कौन सा एक सौ पैंतीसवां देश बना है राष्ट्रीय बालिका नीति को कब से लागू किया गया प्रश्न संख्या सत्ताईस राष्ट्रीय बालिका नीति को कब लागू किया गया चौबीस फरवरी दो हजार तेरह को यह आंसर आपका राइट हो जाएगा अगला है महिला सशक्तिकरण वर्ष कौन सा वर्ष घोषित किया गया महिला सशक्तिकरण वर्ष कौन सा है तो दो हजार एक है कौन सा है दो हजार एक बी आंसर आपका राइट हो जाएगा वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है ममता भूपेश वसुंधरा राजे रेखा शर्मा सुमन चौधरी तो ममता भूपेश है कौन है ममता भूपेश आंसर आपका राइट है बारह वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करने पर किस धारा के तहत व्यक्ति दोषी होगा बताओ देगा लाडलू। बारह वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि आप दुष्कर्म करोगे तो मैं आपको क्या सजा दूंगा फांसी या मृत्युदंड होगी क्या होगा रे? फांसी या मृत्युदंड किस धारा के तहत व्यक्ति दोषी माना जाएगा दोस्तों बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए डी हो जाएगा धारा तीन सौ छिहत्तर डी बी के तहत धारा तीन सौ छिहत्तर डी बी बारह वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ बीस वर्ष की सजा या आजीवन कारावास या मृत्युदंड है और धारा गुरुजी जी तीन सौ छिहत्तर किसे संबंधित तो है यह बताओ धारा तीन सौ पचहत्तर तो बलात्कार की परिभाषा है तीन सौ छिहत्तर में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है धारा तीन सौ छिहत्तर डी डी में क्या है डी के अंदर है सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार इसमें फांसी की सजा आजीवन कारावास है और तीन सौ डी बी मैंने अभी बता दिया आपको और डी ए एक सोलह वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ किया गया दुष्कर्म यदि सोलह वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म करोगे तो धारा तीन सौ डी ए लागू होगी बीस वर्ष की सजा प्लस आजीवन कारावास है अगला प्रश्न है और तीन सौ छिहत्तर डी यानी बारह वर्ष से कम उम्र के साथ यदि सामूहिक रूप से या व्यक्ति कोई भी बारह वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि दुष्कर्म करता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाता है फांसी की सजा है सामूहिक रूप से किए गए बलात्कार के तहत किस धारा के तहत व्यक्ति आरोपी होगा सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार में धारा तीन सौ छिहत्तर डी है कौन सी है इसमें फांसी की सजा या आजीवन आज कारावास है घरेलू हिस्सा शिक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम में ध्यान रखना इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो धारा है इसमें सैतीस कितनी है सैंतीस धारा है और पांच इसमें अध्याय कितने अध्याय पांच संतानु की अभिरक्षा का आदेश किस धारा में है संतानु की अभिरक्षा का आदेश किस धारा में है तो धारा इक्कीस में है किसमें है धारा इक्कीस में इंटरनेट या ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से महिला पर निगरानी रखें तो सजा का प्रावधान है तो कितनी सजा है किस धारा के तहत सजा होगी इंटरनेट ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ देगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा महिला पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निगरानी रखे तो सजा का प्रावधान किस धारा में है क्या आंसर हो जाएगा देखो धारा तीन सौ धारा तीन सौ चौवन में है यौन उत्पीड़न से संबंधित है या महिला की कोई लज्जा भंग करता है तो उससे संबंधित है ठीक है धारा तीन सौ चौवन ए ए का मतलब है यौन संबंध बनाने की मांग करना महिला के साथ गलत चित्र भेजना टिप्पणी करना बिल्कुल धारा तीन सौ छिहत्तर सी सी का मतलब है क्या हो जाएगा ताकजा करना फोटो पास रखना और धारा तीन सौ चौवन डी महिला का पीछा करना उसका नाम पता पूछना बिल्कुल उस पर निगरानी रखना डी आपका राइट हो जाएगा घरेलू हिस्सा की परिभाषा अधिनियम की किस धारा में है घरेलू हिस्सा की परिभाषा तो धारा तीन में है अगला है नाबालिग लड़की को कब्जे में रखना कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है तो नाबालिग लड़की को यदि कोई कब्जे में रखता है तो दस वर्ष की उसको सजा दी जाएगी कितनी सजा है दस वर्ष की किसी महिला के यौन रूप या सुंदरता पर टिप्पणी करने पर कितनी सजा है एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष या चार वर्ष तो राइट आंसर हो जाएगा एक वर्ष की कितनी है एक वर्ष की सजा है महिला की इच्छा के विरुद्ध सा, अश्लील साहित्य भेजना उसे दिखाना पर कितनी सजा है महिला की इच्छा के विरुद्ध तो इसमें कितनी सजा का प्रावधान है दोस्तों बिल्कुल तीन वर्ष की सजा है कितनी है तीन वर्ष निर्भया केस के बाद किसकी जनहित याचिका पर आईपीसी की धारा तीन सौ चौवन में संशोधन किया गया तो किसकी याचिका पर जिग्नेश कुमार की ए आंसर आपका राइट हो जाएगा अगला है विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल विलियम बेंटिंग कौन थे विलियम बेंटिंग भी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई चार फरवरी 2015 को हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना शुरू महिलाओं हेतु पचास परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की गई है विधानसभा लोकसभा राज्यसभा या पंचायती राज संस्थानों में तो पचास परसेंट आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज में डी आंसर आपका राइट हो जाएगा निर्भया फंड की स्थापना कब की गई 2010, 11, 12 या 2013? निर्भया फंड की स्थापना कब की गई 2013 में की गई डी आंसर आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट अगला है देश अधिनियम के तहत देश की दहेज की घटना की शिकायत कितने समय तक की जा सकती है दहेज की शिकायत कितनी समय में हम कर सकते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल बारह महीने में कर सकते हैं कितने महीनों तक बारह महीनों तक मानव तस्करी अधिनियम कब पारित हुआ मानव तस्करी अधिनियम हुआ था जुलाई 2018 में नेक्स्ट निम्न में से कौन सी धारा उत्पीड़न से तंग आकर महिला द्वारा आत्महत्या से संबंधित है तीन सौ एक तीन सौ दो तीन सौ चार या तीन तो सौ है बिल्कुल तीन सौ 306 तीन सौ किसी महिला की लज्जा भंग करने पर कितने वर्ष की सजा है लज्जा भंग करोगे महिला की तो दो वर्ष जेल में जाओगे निम्न में से कौन सा महिला हेल्पलाइन नंबर नहीं है महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा नहीं है एक हजार इक्यासी एक हजार अस्सी एक हजार नब्बे एक हजार इकानवे तो एक हजार अस्सी नहीं है भी आंसर आपका राइट हो जाएगा देश निषेध अधिनियम उन्नीस पारित करते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे उन्नीस में कौन थे राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया कब लागू की गई भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया कब लागू की गई उन्नीस में भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला का पीछा करने से संबंधित है पीछा कौन करता है डोग करता है डोग डोग यानी कुत्ता तो डी धारा तीन सौ चौवन डी हो जाएगा डी आपका राइट हो जाएगा और सी सीपोर क्या होता है केट होता है बिल्ली बिल्ली क्या करती है तांग झांग करती है तो तांग झांग से संबंधित धारा तीन सी बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है यह दिवस मनाया जाता है बारह जून को कब मनाया जाता है बारह जून को राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं तो अक्षय तृतीया को आखा तीज को सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं घरेलू हिस्सा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित किया गया राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों घरेलू हिस्सा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित हुआ बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है बहुत ही शानदार तेरह सितंबर दो हजार पांच को बालकों के विरुद्ध हिंसा कहां हो सकती है विद्यालय घर सुधार कारागार या उपयोग सभी तो विधाय बच्चे के खिलाफ या बच्चे के विरुद्ध हिंसा कहीं पर भी हो सकती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 के अनुसार संपूर्ण भारत के बच्चों के विरुद्ध अपराध से जुड़े मामलों से संबंधित कितने मुग्ध में दर्ज है तो दो हजार सोलह के अनुसार कितने हैं बिल्कुल ए आंसर सभी का राइट है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में प्रकृति के विरुद्ध अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है तो धारा तीन में है में प्रकृति के विरुद्ध अपराध प्रकृति के विरुद्ध अपराध में में से किस दंड का प्रावधान है दस वर्ष तक की अवधि का कारावास आजीवन कारावास पाँच वर्ष तक की अवधि का कारावास या इनमें से कोई नहीं राइट आंसर ही हो जाएगा दस वर्ष तक की अवधि का कारावास भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में जाड़क्रम से संबंधित है जाक्रम है चार सौ सन्तानवे देखो ये झारक्रम पूछा जा चुका है पिछली बार भी झारक्रम का मतलब है हम कोई शादीशुदा महिला है जिसका पति जीवित है शादी हो रखी है उसकी और फिर भी उसके साथ यदि आप संभोग बनाते हो तो यह झारक्रम में आता है इस्लाम धर्म में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को क्या, तो क्या बोलते हैं तो इस तलाक को बोलते हैं मुबारक क्या बोलते हैं मुबारक निम्न में से किस वर्ष विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ उन्नीस में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में अधिनियम की धारा 125 का संबंध है तो 125 का संबंध है संरक्षण अधिकारी से जम्मू कश्मीर में घरेलू हिस्सा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रभाव में आया जम्मू कश्मीर में पहले देखो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था ये तो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था जम्मू कश्मीर में कब हुआ 31 अक्टूबर 2019 को महिलाओं को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ तो उन्नीस में महिलाओं को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके बताओ देगा किस किस का राइट आता है तीन तलाक को अन्य किस नाम से जाना जाता है तीन तलाक को बोलते हैं मौखिक तलाक तलाक है इन स्टेट तलाक यानी उपरोक्त सभी डी आंसर आपका राइट हो जाएगा घरेलू हिस्सा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 2019 से पहले किस राज्य में लागू नहीं था तो ये राजस्थान में था नागालैंड जम्मू कश्मीर उड़ीसा में था लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था कहाँ पर नहीं था जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कौन सा है तो उन्नीस से लेकर उन्नीस तक का दशक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2006 में शामिल खतरनाक विषयों की संख्या कितनी है तो इसमें टोटल तीन खतरनाक विषय है कितने खतरनाक विषय तीन आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न अपराध है तो धारा तीन सौ चौवन के अंतर्गत यौन उत्पीड़न अपराध है ध्यान रखना इसमें न्यूनतम एक वर्ष की सजा है और अधिकतम तीन वर्ष की पांच वर्ष तक की सजा है हिम्मत क्या है हिम्मत क्या है दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का एक प्रयास है इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था आई की किस धारा में देश हत्या का वर्णन है धारा तीन सौ दो तीन सौ चार तीन सौ छह या तीन सौ आठ किसी धारा में देज हत्या का वर्णन है तो राइट क्या हो जाएगा धारा तीन सौ चार में है किसमें है धारा तीन सौ चार बिल्कुल जो जो बता रहे हैं विद्यार्थी सभी का राइट है बहुत ही शानदार भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो राजस्थान पुलिस का जैसे ही पेपर होगा पहले दिन तेरह तारीख को पहली शिफ्ट में तो पेपर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा सबसे पहले ताकि आप देख सको पेपर किस लेवल का आया है। आईपीसी की किस धारा के तहत यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार माना जाता है तीन सौ सत्तर तीन सौ चौवन तीन सौ पचहत्तर या तीन चार सौ साठ तो धारा तीन सौ चौवन क्या हो जाएगा बताओ देगा बिल्कुल बहुत ही शानदार देखो बलात्कार माना जाएगा यानी बलात्कार की परिभाषा किसमें है बलात्कार की परिभाषा है धारा तीन में किसमें है धारा तीन में दी गई है बलात्कार की परिभाषा तीन यौन उत्पीड़न से संबंधित है हाँ अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बेगार प्रथा को समाप्त किया गया तो धारा तेबिस के तहत बेगार प्रथा को समाप्त किया गया धारा तेबिस बलात्कार का अच्छा बचाव क्या है बलात्कार का सबसे अच्छा बचाव क्या है सहमति वीरीपान नहीं होना मात्र इंद्रियों का प्रवेशन यौन विदृण नहीं होना एक नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा सहमति स्त्री की लज्जा का अनादर करना आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध है स्त्री की लज्जा का अनादर करना धारा पाँच सौ नौ बाल विवाह को रोकने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है तो न्यायालय द्वारा व्यादेश जारी कर सकता है न्यायालय चार नंबर आंसर राइट हो जाएगा सती निवारण अधिनियम कब पारित हुआ तो उन्नीस में पारित हुआ था सती से क्या अभिप्राय है सती क्या होती है सती होती है किसी लो महिला का पति मर जाता है पति की मृत्यु के उसके बाद उस पत्नी को भी उसके पति के सऊ के साथ जल जीवित जलाना या उसे जीवित गाड़ देना धरती में बिल्कुल सती होकेलाता है बी आंसर आपका राइट हो जाएगा विधवा स्त्री को उसके मर्द पति के सऊ के साथ जीवित जलाना या गाड़ना सती का गौरव बढ़ाना माना गया है अपराध प्रथा वरदान या शुभ कोई सती होती है उसका गौरव बढ़ाना क्या माना गया अपराध माना गया है सती प्रथा पर रोक लगा दी गई है दोस्तों किशोर न्याय अधिनियम 2015 के किस अध्यादेश में बालकों के विरुद्ध अपराधों के बारे में प्रावधान किया गया है तो अध्यादेश नौ के अंदर है किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करने वाले बालक को समझा जाएगा तो बालक को क्या समझा जाएगा विधि का उल्लंघन करने वाला बालक समझा जाएगा चार नंबर आंसर आपका राइट है निर्व्या कांड से संबंधित स्थान कौन सा है तो निर्वयाकंड दिल्ली में हुआ था निर्भया दिल्ली की मेडिकल कॉलेज की बालिका थी छात्रा थी चलती हुई बस में इसके साथ गेंगरेप हुआ था उसके बाद बहुत शानदार कानून बनाया गया सरकार के द्वारा दुष्कर्म दुष्कर्म की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया कांड किस वर्ष घटित हुई तो निर्भया कांड हुआ था दो में दिल्ली में हुआ था निर्भया केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों की पीठ में प्रधान न्यायाधीश कौन थे प्रधान जो न्यायाधीश थे इनके वो थे दीपक मिश्रा प्रधान न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा चार नंबर आंसर राइट है मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई अक्टूबर 2017 में मी टू अभियान की शुरुआत हुई थी तनुश्री दत्ता ने इसको गति प्रदान की थी भारतीय बाल मजदूर कितने घंटे काम करते हैं तो भारतीय बाल मजदूर औसत कम से कम बारह घंटे काम करते हैं यौन उत्पीड़न के मामले में मी टू अभियान के तहत आरोपी से आरोप से गिरे हॉलीवुड निर्माता कौन है तो राइट आंसर तीन हो जाएगा हार्वी पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया तो ये 9 दिसंबर 2013 को प्रभाव में आया था कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 किन संस्थानों पर लागू होता है जहां 10 से अधिक व्यक्ति हो वहां पर यह लागू होता है एक साथ काम कर रहे हैं दस व्यक्ति वहां पर यह लागू होगा सामाजिक कार्यकर्ता तारना बरक ने सर्वप्रथम किस वर्ष मीटू वाक्यांश का प्रयोग किया सर्वप्रथम किया था 2006 में कब किया था 2006 में भारत में मीटू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की तो तन्नुश्री दत्ता ने की थी किसको की तन्नुश्री ने बाल श्रमिकों की तादाद ज्यादा है शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र दोनों में बराबर है तो गांव में सबसे ज्यादा है बाल श्रम का कारण है गरीबी काम की तलाश अशिक्षा या उपरोक्त सभी वह तो देखो सभी कारण है अशिक्षा काम की तलाश गरीबी लेकिन सबसे मुख्य यदि कारण पूछे तो गरीबी है सबसे मुख्य कारण गरीबी है दोस्तों 1990 का यदि से कोई अमीर होता यदि हम करोड़पति होते बहुत सारे पैसा होता तो क्या हम राजस्थान पुलिस की इस तरह तैयारी करते महिला बाल अपराध इस तरह रटना पड़ता तो गुरुजी नहीं रटना पड़ता ऐस करते बिल्कुल सबसे बड़ा कारण हमारा ये गरीबी और मजबूरी है उन्नीस का दशक निम्नलिखित समूह द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया अफ्रीका देश यूरोपीय देश अमेरिकी देश या सार्क देश तो डी राइट आंसर हो जाएगा सार्क देशों द्वारा बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है बाल श्रम का देखो प्रमुख कारण पूछा गया है प्रमुख कारण पूछे तो ध्यान रखना गरीबी है क्या है गरीबी वैसे तो शिक्षा की कमी अधिक जनसंख्या शिक्षण सुविधाओं की कमी यह भी है लेकिन मुख्य कारण पूछे तो गरीबी है भारत में छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार कब बनाया गया तो ये 2010 में बना था कब बना 2010 में भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है तो कारखाना कानून में रखा गया पंद्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी छब्बीस सितंबर उन्नीस में, में यह प्रश्न पूछा जा चुका है बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई छब्बीस सितंबर उन्नीस सौ चौरानवे को हुई बाल विवाह का दुष्परिणाम क्या है माँ बच्चों में, में कुपोषण पैदा होना जनसंख्या में बढ़ोतरी बालिकाओं के मानसिक शारीरिक विकास का रुकना तो सभी के सभी कारण है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने बाल विवाह को प्रतिबंधित किया So, पहली रियासत कौन सी है बाल विवाह को प्रतिबंधित किया वो जोधपुर रियासत है कौन सी है जोधपुर भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लागू हुआ तो ये लॉर्ड डलहोजी के काल में हुआ था लॉर्ड डलहोजी के काल में हुआ ये तो महिला बाल अपराध के हो चुके हैं एक प्रश्न यहां पर प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब प्रारंभ किया गया तो कब प्रारंभ हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हुई थी ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई 22 जनवरी 2015 को राजस्थान सरकार द्वारा महिला उत्पीड़न देश पर प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई 2013 में अपर जिला न्यायालय के स्तर पांच विशेष न्यायालय स्थापित किए गए ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आ सकता है राजस्थान सरकार द्वारा महिला उत्पीड़न और दहेज जो प्रकरण होते हैं उसको रोकने के लिए पाँच यहाँ पर बनाए गए जिला न्यायालय कहाँ कहाँ पर बनाए गए जयपुर में नहीं है ध्यान रखना ऑप्शन में आपको जयपुर ही मिलेगा लेकिन जयपुर में नहीं है ध्यान रखना अजमेर में भरतपुर में उदयपुर में जोधपुर में और बीकानेर में पांच जगह बनाए गए तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लागू हुआ तो लॉर्ड डलोजी के काल में हुआ था प्रश्न रिपीट हो चुका है शायद राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट कहाँ पर स्थापित की गई जोधपुर अजमेर जयपुर या उदयपुर तो पहली पोक्सो कार्ड स्थापित हुई थी जयपुर में से आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों कल भी क्लास होगी महिला बाल अपराध की हम पूरा करवा देंगे चिंता ना करें आप दस नंबर हमारी तरफ से आपको फ्री राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना है जयपुर भरतपुर जोधपुर या धौलपुर तो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना है धौलपुर सदर पुलिस थाना धौलपुर है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का प्रथम चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना सदर पुलिस थाना धौलपुर में है राजस्थान की किस प्रथम बाल विकास परियोजना कहाँ शुरू की गई जोधपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा या पाली प्रथम बाल विकास परियोजना शुरू की गई बांसवाड़ा से कहाँ पर शुरू की गई बांसवाड़ा में सी आंसर आपका राइट हो जाएगा राजस्थान की प्रथम बाल विकास परियोजना दो अक्टूबर उन्नीस को गड्डी पंचायत समिति बांसवाड़ा में प्रारंभ हुई थी अन्य महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो एक बार आपको मैं बता देता हूं और स्क्रीनशॉट ले लेना ले या अपनी ई बुक ले लेना ले आप मात्र तीस रुपए की है धारा तीन सौ छब्बीस ए इसमें तेजाब द्वारा किया गया हमला कोई व्यक्ति एसिड अटैक करता है तेजाब डालता है तो बहुत ही यहाँ पर शानदार कानून बनाया गया है तीन धारा लागू होती है दस वर्ष की सजा ऐसे व्यक्ति को धारा तीन ए यदि कोई व्यक्ति जान बूझ कर ऐसी डेटे करता है दुश्मनी निकालने के लिए जान बुझ कर एसिड अटैक करता है तो आजीवन आज कारावास होगा सड़ेगा जेल में धारा तीन सौ छब्बीस ए है धारा तीन सौ छब्बीस बी में है किसी पर तेजाब द्वारा रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाने वाला हमले का प्रयास यदि कोई हमले का प्रयास भी करता हुआ पाया जाता है कोशिश करता हुआ पाया जाता है तो धारा तीन सौ छब्बीस बी है उसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है गुरु जी धारा एक सौ छियासठ बी यह भी काफी महत्वपूर्ण है यदि कोई पीड़ित व्यक्ति एसिड अटैक हो चुका है किसी के ऊपर बेचारे के ऊपर जल गया कोई और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के द्वारा इलाज करने से यदि मना कर देता है तो डॉक्टर को भी एक साल की सजा होगी डॉक्टर को अनिवार्य रूप से इलाज करना पड़ेगा तो दोस्तों ये प्रश्न थे आज की क्लास में बहुत ही शानदार प्रश्न थे ये इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको राजस्थान पुलिस के इस बार छह पेपर होंगे अलग अलग शिफ्ट में बच्चों के किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से और भी बहुत शानदार प्रश्न हम अगली क्लास में लेके आएंगे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें धन्यवाद साथियों जय हिंद अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले और ऐप भी आप डाउनलोड करके वहाँ से हमारे महिला बालक के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं